नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, नागपुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से हम लिवर, लिवर की बीमारियां और लिवर ट्रांसप्लांट से जुड़ी जानकारी आप सबके साथ साझा करते हैं। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आता है तो वो हमसे 3 सवाल करता है। पहला, क्या मुझे लिवर की कोई बीमारी है? दूसरा, अगर मुझे लिवर की कोई बीमारी है तो वो किस स्टेज में है, कितना लिवर खराब है, कितना लिवर अच्छा है? और तीसरा, कि इस बीमारी को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? आज हम लिवर की बीमारियों का पता लगाने वाले एक ऐसे ही टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इस टेस्ट का नाम है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट है जिसमें 2 बातों के बारे में पता चलता है। पहला, लिवर में जमा हुआ फैट। दूसरा, लिवर में होने वाली स्कारिंग या सिरोसिस। एक स्वस्थ लिवर, एक हेल्दी लिवर सॉफ्ट या नर्म होता है। जैसे जैसे लिवर में चर्बी जमती जाएगी, जैसे जैसे लिवर में स्कारिंग होती जाएगी, वैसे वैसे लिवर कठोर या हार्ड होता जाएगा। फाइब्रोस्कैन में हाई इंटेंसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके लिवर की कठोरता का पता लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रोस्कैन के रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। फाइब्रोस्कैन में 2 प्रकार की रीडिंग्स मिलती हैं। पहला, कैप स्कोर। कैप स्कोर का इस्तेमाल लिवर में मौजूद फैट परसेंटेज या फैटी लिवर की ग्रेडिंग करने के लिए किया जाता है। इसे डेसिबल पर मीटर में नापा जाता है। एक नॉर्मल लिवर में कैप स्कोर की रीडिंग 238 होती है। जैसे जैसे लिवर में फैट जमा होता जाएगा, वैसे वैसे कैप स्कोर बढ़ता जाएगा। दूसरा, केपीए या किलो पास्कल स्कोर। केपीए स्कोर का यूज लिवर के अंदर स्कारिंग या कठोरता नापने के लिए किया जाता है। एक नॉर्मल लिवर में केपीए का स्कोर 7 से कम होता है। जैसे जैसे लिवर में स्कारिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लिवर सिरोटिक होता जाएगा, वैसे वैसे उसका केपीए स्कोर बढ़ता जाएगा। केपीए स्कोर 12 से ज्यादा होने का मतलब है सीवियर या स्टेज 4 सिरोसिस या एंड स्टेज लिवर डिजीज। ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि क्या फाइब्रोस्कैन करते समय मरीज को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है? नहीं दोस्तों, फाइब्रोस्कैन एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। ये करते समय किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। जिस तरह से सोनोग्राफी की जाती है, उसी तरह से फाइब्रोस्कैन किया जाता है। फाइब्रोस्कैन करवाने की जरूरत किन किन लोगों को है? ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, जिनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा मोटे लोग, डायबिटिक पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स को थायराइड की बीमारी है, ऐसे पेशेंट, जिनके पेट में पानी जमा है, जिनको पीलिया है, जिनको खून की उल्टी होती है, इन सब पेशेंट्स को फाइब्रोस्कैन करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रोस्कैन करवाने का फायदा क्या है। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइब्रोस्कैन से फैटी लिवर की स्टेजिंग या ग्रेड के बारे में पता चलता है। फैटी लिवर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट्री मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेज, इन सब का रोल है। सो अगर हम फैटी लिवर की स्टेज के बारे में पता कर पाएंगे तो उस तरह से अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, लिवर की कठोरता नापने से सिरोसिस या स्कारिंग के बारे में पता चलता है। सिरोसिस की शुरुआती स्टेजेस में पेशेंट को दवाइयों से आराम हो सकता है, लेकिन अगर ये बीमारी अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच गई है तो पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, इलाज शुरू होने के बाद लिवर में जमा हुए फैट की मात्रा में कमी आई है या नहीं, उसकी कठोरता कम हुई है या नहीं, इन सब बातों का पता लगाने के लिए भी फाइब्रोस्कैन किया जा सकता है। लिवर, लिवर की बीमारियां और लिवर ट्रांसप्लांट से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे हमारे YouTube चैनल या Instagram प्रोफाइल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट livertransplantindia.info पर विजिट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।